अच्छा जुल्किन भाई आपने भी काउंटी खेली क्लब क्रिकेट खेली बहुत ज्यादा नॉर्मली यानी एक हम कहते हैं एक बंदा आप तो चले नेशनल साइड पे खेले ना एक बंदा नेशनल साइड नहीं खेला सिर्फ फर्स्ट क्लास फर्स क्रिकेट खेला हुआ है और वो काउंटी में जाता है जी। तो रफली कितने का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एक एवरेज अगर हम बात करें तो एक क्रिकेटर अगर कॉमी टीम में ना भी आए तो महीने के कितने पैसे कमा लेता है लेकिन उसमें जो हमारा नॉर्मली फर्स्ट क्लास का प्लेयर जाता है उसको सीजन का दस हजार बारह हजार पाउंड मिल जाता है

मैं अपनी पूरी फैमिली को उधर लेके घर भी मुझे मिला फिर गाड़ी मिली फिर जो है बड़ा अच्छा मेरा पैसों का बड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट था फिर मैं काफी घुमाया फिर भी सही उम्रे पे भी हम गए लेके अच्छा। गया वहां से अच्छा आप तो नेक भी हैं। है <laughs> दस बारह साल से बड़ा मजा आया बड़ी हुई और अब देखें इस पे लोग कमेंट्स किस तरह के करते हैं और क्या कहते हैं वो उसमें तो लाइक करेंगे क्योंकि जो सच होता है ना वो लोग सच ही सुना चाहते हैं तो हल्क नहीं रखना चाहिए मसला ये है और ये ये फर्स्ट इंटरव्यू है आपका और मेरा कि मैंने इतनी खुल के बातें की बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। वरना मैं इस तरह की जो आपकी पर्सनल लाइफ की जो स्टोरीज होती हैं वो आप शेयर नहीं करते बिल्कुल लेकिन आपके साथ थोड़ा प्यार बढ़ गया एक दो मीटिंग में ही आपके साथ अच्छा आपकी नेचर भी अच्छी है आपकी फ्रेंडली नेचर है तो मेरी भी नेचर इस तरह की है कि मैं फ्रेंडली हो जाता हूँ और यकीन कर लेता लोगों के पे जल्दी तो, तो आपने पाकिस्तान पे यकीन कर ली है जो कुछ आपने बता दिया ना कैमरे पे अच्छा हमारे यहाँ ये होता है नॉर्मली लोग ऐसी बात सुनते भी पूरी हैं और फिर तनकीद करते हैं भाई तुम्हें मसला है तो तुम पूरी ऐसी बात सुनते नहीं नहीं कुछ कुछ लोग मैं एक और टॉपिक पे जा रहा हूँ जाना नहीं था मैंने लेकिन ऐसे कई लोग हैं वो कहेंगे यार वो तुमने खातून का इंटरव्यू क्यों किया हाँ, उसमें तुमने ये भी कहा ये भी कहा ये भी कहा एक बताएंगे उस सेकंड में तुमने उसे ऐसे देखा था उस सेकंड उसने ये बात की तुम इतने हो मुझे समझा रहे हो कि इनके साथ ना करें इंटरव्यू तुमने तो एक चीज नोट की हुई है लेकिन देखें हम जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना या जो थोड़े नॉन लोग होते हैं लोग उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी अचीवमेंट्स को देखना हाँ, देखना चाहते हैं सुनना चाहते हैं ठीक है उसके पीछे क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हैं वो भी सुनना चाहते हैं जैसे भी मैंने आपसे खुल के बातें की अभी तो मैं आ, आ, जो हार्ड मेरा जो इंटरव्यू होता है आ, वो लोगों ने सुना होगा आ, उस पर भी मुझे मिलियन लोग फॉलो करते हैं मिलियन लोग मुझे देखते हैं और बहुत पॉजिटिव देते हैं कि ये जुल्कर नैन जो है हमेशा इसने सच सच बोला है चाहे वो मतलब पॉजिटिवली हो या अपनी पर्सनल लाइफ का हो उसने हमेशा सच बोला है तो अभी आपके चैनल के तवस्त से यही है कि मैंने मतलब जितनी आपसे बातें की हैं वो सच पे मबनी है वरना छुपाने को तो सौ चीज़ें इंसान छुपा सकता है ताकि लोगों को इंसान की पर्सनैलिटी का ना बदल सकें लेकिन मैं तो खुली किताब हूँ खुला मेरा दिल है खुला मेरा दिमाग है जिस जो दिल में होता है वही ज़बान पे होता है ज्यादा खुला है इसको थोड़ा सा तंग करें नहीं सबके लिए देते हैं है। है। वो सबके लिए खुले हुए हैं कोई ऐसा मसला नहीं तो वो इसीलिए कभी कभी नुकसान भी होता है फायदा भी होता है तो आप आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया थैंक यू वेरी मच थैंक यू